नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? आज हम लोग वीडियो में, आइए स्टार्ट करते हैं। क्विड या ट्रिवर, इन सब गाड़ियों का जैसे कि आप देख रहे हो इंजन सेम है, तो क्विड में जो कम चलने पे जो वाल में जो समस्या आती है उसी पे आज हम बात करना चाह रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। देखिए यहाँ पे जरा कैमरा करो बाबू, ये देखो, ये हमने मैनिफोल्ड निकाल रखा देखने के लिए, ठीक है। ये हम उंगली करके आपको दिखा रहे हैं, तीनों में ये लुब्रिकेंट है और इस पर एक चीज़ और आप देखो, ये बुरादा जैसा इस पर कचरा है, क्लियर है, देखो एकदम बुरादा, एकदम मतलब जैसे मिट्टी उठा करके इसमें झोंक दिया गया हो ना। तीनों पे ये नहीं, एक उंगली पे ये है, एक नंबर का हमने निकाल लिया ये, ठीक है। और नीचे करो थोड़ा सा बेटा, एक नंबर का हमने निकाला, ठीक, ये देखो बुरादा, ये हमने दो नंबर का निकाला, दो नंबर तो वहीं बुरा था, ठीक। अब ये तीन नंबर का निकाल रहे हैं, ये देखो तीन नंबर का भी वही हाल है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, ये घातक चीज़ यही है, ये इन सब गाड़ियों पे क्या कर रहा है कि वाल पे जा करके बैठ जा रहा है और ये कचरा। अब आप सोचो कि जो वाहन स्वामी हैं वो इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो भाई सामान ही लगाएंगे, सामान के अलावा कुछ तो नहीं कर सकते। इसमें जो हमें कमी दिखी है, और कमी ये दिखी है, एयर फिल्टर नया आ चुकी है, आप देखो एयर फिल्टर के कॉलर पे ये दबा हुआ था, देखो ये ऐसे मुड़ा हुआ, इसे कॉलर पे दबा हुआ था, और ये जो आपका डब्बा का जो प्रोग्रामिंग है ये पूरी तरह से बैठा नहीं था उस पर, ठीक है। यहाँ से भी आपका कचरा जो है उठा लेता है, तो एयर फिल्टर आप लोग जब भी बैठाइए भैया, मेहरबानी करके सही से बैठाइए, बराबर बैठाइए। ये देखिए पूरा नहीं बैठा था। अब देखो बहुत बड़ी बात है यार, ये कचरा ऐसे उठा लिया, गाड़ी इतनी मिसिंग कर रही है, चलने को तैयार नहीं, तीनों पोजीशन पे है, तो एक पोजीशन पर अगर होता तो और कोई कारण बन सकता था, चूँकि तीनों वाल पे है और इस सब गाड़ी का हेड का वाल जो है एक बार अगर खुल गया तो इंजन की लाइफ आप समझो कि ख़त्म हो गई, क्लियरली बता रहे हैं, ठीक है। आपको एयर फिल्टर इन्होंने नया लगा रखा है, स्पार्क प्लग भी नया लगा रखा है, लेकिन वाहन स्वामी इसमें क्या कर सकता है। लेकिन जो कमी हमें दिखी है वो ये कमी दिखी है, और इसके वजह से यहाँ पे एयर का जो संकुलेशन है सही नहीं हुआ, सही से एयर ना छलने की वजह से तीनों मैनिफोल्ड के अंदर जो कचरा मिला है वो ये मिला है। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखाऊँगा आपको, ये मान लो कि एयर फिल्टर है, ठीक है, और एयर फिल्टर के इसके अंदर मुँह में बैठना है इस पर। अब देखो ये जो बैठा था वो इस पोजीशन पर बैठा हुआ था, एक बार हम दिखा दिए, देखो ऐसा बैठा था। अब ये डस्ट वाले एरिया में अगर गाड़ी चलेगी तो यहाँ से ये सांस लेगा जरूर, यहाँ सांस लेगा, यहाँ से, चूँकि यहाँ फिल्टर होकर के जब जाता है तो जहाँ से उसको एयर क्लियर मिलेगा वहीं से वो सांस खींच लेगा। अब एयर फिल्टर अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो ये परफेक्ट तरीके से पूरी तरह से बैठ गया। बैठाने का आपको तरीका दिखा रहे हैं, इसमें दिक्कत भी हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, फिलहाल हम लोग साफ करके स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या पोजिशन आता है। एयर फिल्टर बैठाने की आपको क्या करना है, देखो भाई बहुत छोटी सी चीज़ है, हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना है, आज भी हड़बड़ पर देखो, ये कॉलर जो है ना, कॉलर, ये कॉलर हल्का सा उठा हुआ है, ये कॉलर इस पर जब बैठ जाएगा एकदम करेक्ट पोजिशन में बैठ जाए, इसे देखो इधर बैठ गया, इधर बैठ गया, दोनों तरफ जब बैठ जाएगा ना तो तब इसके बाद इसको सही से बैठाना है। और बैठा करके आप ये अपने तरफ से कंफर्म कर लो कि अब ये ओके बैठ गया है, यहाँ से एयर नहीं लेगा। आइए आपको दिखाते हैं बैठा करके, ये हमें रख लिया था वहीं रखते थे, ठीक है, दोनों धारी पे है ये, देखो दोनों तरफ के धारी पे एकदम साँख बराबर दिख रहा है, ठीक है। और ये लॉक इसके अंदर चला गया, अब बैठ गया एकदम टाइट बैठ रहा है, है ना। एयर फिल्टर इन लोगों का अच्छा नहीं है, एयर फिल्टर इनका अच्छा अगर हो जाए तो ये और मज़ा आएगा भाई, चेक किए पूरा बैठाने के बाद भी तभी सांस आए वहाँ से फैल रहा है, और जबकि इसका नियम होना चाहिए यहाँ से हवा ले तो सिर्फ यहाँ से ही फेंके और कहीं से हवा ना निकले, तभी आएगा खेल का असली मजा। ये लोग अगर अपना एयर फिल्टर सही कर दें तो इंजन का लाइफ इनका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ये एयर फिल्टर जो है अच्छा नहीं है।
स्क्विड, डस्टर इंडिगो, मतलब जितनी भी इस टाइप के इंजन में गाड़ियां हैं जिसमें ये फिल्टर लगा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा जो कमी है वो कमी ये है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी वजह से जो है आपका खतरा है छन के गया है और वाल पे चला गया है, वाल में डस्ट ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से तीनों का हमारे उंगली का आपको दिख रहा है बिल्कुल बुरादा जैसा है। अब देखो एकदम बुरादा जैसा कचरा है, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। और अगर एक बाल भी वाल के ऊपर चला गया ना तो वहाँ से एयर ले लेगा, गाड़ी मिसिंग करेगी। यही वजह है कि ये गाड़ी दिक्कत कर रही है और लोग कह रहे हैं सक्सेस नहीं है। जी नहीं, गाड़ी सक्सेस है, लेकिन इसको जब एयर फिल्टर हम बदलवा रहे हैं या मैकेनिकल काम करवा रहे हैं तो बहुत से मिस्त्रियों को आँख बंद करके काम करने के आते हैं। जैसे कि उदाहरण पे हम अपनी स्कूटी का सर्विस कराने गए, फ्यूल का जो है वो बदलना था, मिस्त्री को निकालने के लिए देखे तरीका तो उसका तरीका ही अलग था, वो निकाला और उसका ओरिंग लगाना भूल गया। अब आप बताओ, अब दोबारा ओरिंग मिला भी नहीं, खो गया। तो वो ओरिंग ऐसा था कि हम जो है उसका अपने मल्टीवाल जो एलपीजी के जो मल्टीवाल का ओरिंग होता है वो ओरिंग फिर जुगाड़ करके हमने लगाए, तब जाकर वहाँ पेट्रोल लीकेज बंद हुआ। तो इस तरह की लापरवाही मिस्त्रियों से होती है जिसकी वजह से खामियाजा वाहन स्वामी को उठाना पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए भाई लोग, ये बहुत। अब देखो इसका इंजन का वाल खोलना पड़ेगा, एक बार साफ़ करके हम देखते हैं, अगर आ जाता है तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो भाई वाल बदलना मजबूरी है। तो इस तरह की दिक्कतें आ रही है और यही वजह है कि इसका इंजन सक्सेस नहीं हो पा रहा। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए इस पर, और जब भी एयर फिल्टर बदलिए चारों तरफ से चेक करिए, कहीं से सांस लेने का नौबत मत छोड़िए, तब जाकर के इसका इंजन का लाइफ अच्छा रहेगा। और हो सके तो एयर फिल्टर ओरिजिनल लगवाएं, सर्विस सेंटर से भी लगवाएं, तो उसको देख करके लगाएं कि यह तो नहीं ले रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी वजह से इंजन का लाइफ खत्म हो जा रहा है गाड़ी चाहे जो हो। इतना बहुत है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर फेयर तो खैर अलग बात हो तो होता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली। जय हिंद, जय भारत।